हाय गाइस, मैं हूँ शिव ब्राइडल स्टूडियो में से। आज हमारे जो क्लाइंट है उसको हम साइडर मेकअप करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वेब से पूरा फेस क्लीन करेंगे, जो डस्ट रहेगी वो सब निकालेंगे। उसके बाद ऑल ओवर स्किन पर हम मॉइस्चराइजर से पूरा फेस लोक करेंगे, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फेस पर ने जो स्किन है ना, उस पर हम एकदम स्किन स्मूथली हो जाती है, जो ड्राइनेस है वो भी छुप जाती है उनसे। हल्के हाथों से करना है। पूरा फेस कवर हो जाए उसका खास ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसका पूरा फेस एकदम कवर हो चुका है। उसके बाद हम प्राइमर लेंगे। प्राइमर भी फेस के ऑल ओवर स्किन पर हम लगाने वाले हैं। प्राइमर ही हमारा मेकअप का बहुत अच्छा काम करता है। जो हम मेकअप लगाने वाले हैं उसका पूरा कवर करने का काम हमारा प्राइमर करता है। एकदम स्मूथली स्किन बनाता है प्राइमर। हम जो मेकअप करते हैं वो अच्छे से प्राइमर करेंगे ना, तो अच्छे से बैठ जाएगा और धब्बा धब्बा नहीं दिखेगा। अब उसके बाद हम उसका जो क्लाइंट हमारे हैं उसको कहीं ना कहीं उसके फेस पर माइनस पॉइंट रहेंगे, कहीं डार्क सर्कल रहेगा, आईज डार्क सर्कल है, नोज के कॉर्नर पर जो डार्क सर्कल है, और लिप के कॉर्नर पर जो डार्क सर्कल है, और जो पिंपल्स के डार्क सर्कल है, वो सब छुपाने का काम कंसीलर करेगा। तो हम जो क्लाइंट है ना उसका जो डार्क सर्कल कितना डार्क है उस पर डिपेंड जाता है। उस अकॉर्डिंग हम कंसीलर लेंगे। ज्यादा जो डार्क सर्कल ज्यादा दिखेगा, ज्यादा डार्क रहेगा तो उस पर हमें डार्क शेड लगाना है, और लाइट लाइट दिखेगा तो हम उस पर ऑरेंज शेड कवर करेंगे। आप देख सकते हैं क्लाइंट के जो डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लाइटली लगाएंगे, एकदम लाइट लेंगे। जो हमारा ब्रशिश है, जब हम मेकअप करते हैं तो क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा ब्रशिश है ना एकदम स्मूथली होना चाहिए ब्रशिश भी, और ब्रश स्मूथ होगा ना तो क्लाइंट को हम जब ब्रश से कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छे से उसको क्लाइंट को इरिटेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने पूरे फेस पर कंसीलर लगा दिया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं क्लाइंट के फेस पर किस तरह से ब्लेंडिंग हो रही है, एकदम स्मूथ हाथों से, एकदम हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है। क्लाइंट को ज्यादा स्किन पर दबाना नहीं है। उस जो ब्लेंडिंग हो चुकी है उसके बाद हम ऑल ओवर स्किन ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन किस तरह से लेना है, हमारी स्किन का जो कलर है ना उसके उसे एक शेड डार्क लेना है, और फाउंडेशन है ना पूरे फेस पर लगाना है। पूरा फेस कवर हो जाए इस तरह से लगाना है। ब्रश से अच्छे से पहले तो पूरे फेस पर कवर करना है। आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट के फेस ऊपर जो फाउंडेशन है अच्छे से हो गया है। उसके बाद फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करेंगे एकदम हल्के हाथों से। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, जो हमने जो प्रोडक्ट लगाई है ना वो अच्छे से क्लाइंट के स्किन पर बैठ जाएगी, अच्छे से कवर हो जाएगी। कोई भी एरिया छूट ना जाए उसका खास ध्यान रखना है, वरना क्या होगा कि हमने जहां भी फाउंडेशन लगाया है कोई एरिया छूट गया है फेस पर का तो हमें सामने दिखेगा।
आईज के नीचे भी अच्छे से कवर करना है। कभी कभार क्या रहता है, आईज के नीचे हम फाउंडेशन नहीं लगाते हैं ना, तो उसका वो जो फाउंडेशन नहीं लगाते उसका वो दिखता है कि यहाँ प्रोडक्ट लगाई गई नहीं है, तो उसके नीचे भी अच्छे से कवर करना है। फाउंडेशन लग गया है, उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे, वो भी स्किन के अकॉर्डिंग ही पाउडर लेना है और पूरे फेस पर कवर करना है पाउडर से। हमने जो कंसीलर लगाया है, पाउडर का काम ऐसा रहता है कि जो हमने कंसीलर लगाया है या फाउंडेशन लगाया है उसे लॉक करने का काम पाउडर करता है। तो क्लाइंट की जो स्किन है ना, जो कलर है उसके अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन लगाए हैं और फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम पाउडर का कलर हम लेते हैं। पाउडर भी पूरे फेस पर कवर करना है अच्छे से, जिससे जो हमने फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है अच्छे से लॉक हो जाए। आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट के फेस पर अच्छे से पाउडर लग गया है और जो हमने कंसीलर और फाउंडेशन लगाया हो अच्छे से लॉक हो चुका है। उसके बाद हमारा जो फेस का मेकअप जो बेस है वो हो चुका है। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे करेंगे, जिससे हमने जो प्रोडक्ट लगाए हैं ना वो वहां से वहां सेट हो जाए। उसके बाद हमने जो सेटिंग स्प्रे लगाया है उसे सुखाना है। जब तक सूखेगा नहीं उससे पहले हम कोई प्रोडक्ट उसकी स्किन पर नहीं लगाएंगे, वरना अच्छे से स्प्रेड नहीं होगी, वरना ज्यादा स्प्रेड जो जैसे हमें लगानी है वैसी नहीं लग पाएगी। ऐसे ही सूखने दो, वरना हम है ना वो फैन है, जो फैन हैंड फैन रहता है उससे हम उसके फेस को हवा लगाएंगे जिससे जल्दी सूख जाए। उसके बाद हम कॉम्पैक लगाएंगे, ऑल ओवर स्किन पर कॉम्पैक अच्छे से लग जाए उसका खास ध्यान रखना है। कॉम्पैक भी अच्छे से लग गया है, उसके बाद हम ब्लशो लगाएंगे। ब्लशर भी अच्छे से हो चुका है, साइडर मेकअप है इसलिए हम कंटूरिंग नहीं देंगे। उसके बाद हम हाईलाइट लगाएंगे फेस को, दिखाने के जो हाईलाइट एरिया है उसको दिखाने के लिए हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। नोज के ऊपर, लिप्स के ऊपर और चिकबोन के ऊपर, ऐसे फोरहेड के ऊपर हाईलाइट करना है। उसके बाद आई शेडो करना है। आई शेडो में सबसे पहले तो हमें जो आईज जो क्लाइंट है उसका जैसा कलर है, उसकी स्किन कलर है, उस अकॉर्डिंग हमें उसे आई शेडो पूरे आईज ऊपर कवर करना है। अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हमें जो प्रोडक्ट लगाई है अच्छे से मिक्स हो जाए और उस पे धब्बा धब्बा ना दिखे। आप देख सकते हैं हमारे दोनों आईज पर वो पाउडर है एकदम मिक्स हो चुका है। उसके बाद आई शेडो लेते हैं, तो आउट कॉर्नर से इन कॉर्नर तरफ हमें आई शेडो करना है हमेशा।